जो राहुल गांधी का भाषण था वो कॉमेडी एक्ट था, एक तरीके से उनकी ओर से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। शैलेश तिवारी जी, मेरा सवाल फिर से वही है कि आखिर बार बार सनातन का अपमान क्यों, उसके पीछे की क्या वजह यह है कि वो एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं इसलिए बार बार ऐसे बयान देते हैं हिंदुओं को लेकर? देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं यही कहूंगा, यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसके सामने, जिसका स्वयं का आँख नहीं हो, उसके सामने अगर दर्पण रखा जाए, आईना रखा जाए, तो वह न तो देख सकता है ना कुछ बता सकता है। ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी के पास भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। उनको न तो देवी देवताओं की पहचान है, न तो भारतीय संस्कृति की पहचान है, और न ही देवी देवताओं के कहाँ सम्मान कैसे किया जाता है। जब भी कोई देवी देवता का हम पूजा करते हैं, मूर्ति या उनकी तस्वीर को उठा करके रखते हैं, तो उन्हें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें एक हम स्थान देते हैं। और जिस प्रकार उन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया है, भगवान की तस्वीर को इस तरह रख करके और इस तरह से मजाकी तौर पर उन्होंने चर्चा करके, या निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात है, इस पर इनको माफी मांगना चाहिए। और साथ ही साथ राहुल गांधी को यह भी बताना चाहिए कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। माफी मांगेंगे या नहीं, ये तो अभी अभी आगे कार्रवाई चल रही है। अभी अमित शाह ने मुलाकात भी की है स्पीकर से, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, आरपी सिंह जी। ये बैर हिंदुओं से है, सनातन से है, या मोदी से है, या अमित शाह से है, ये तय करना मुश्किल हो गया है अब राहुल गांधी के लिए, क्योंकि हर बार ऐसे बयान। भाई, आपके पास मुद्दों की क्या कमी थी? नीट से लेकर तमाम मुद्दे थे जिसको आप उठा सकते थे, बात कर सकते थे, चर्चा की मांग कर रहे थे आप। ये बार बार हिंदुओं को लेकर टारगेट करना, ये कहां तक जायज है? देखिए, असल में विषय ये है कि ये उनका DNA है, और ये कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का DNA है। मैं 11 जुलाई 2018 का एक अखबार है कश्मीर का, जिसमें उन्होंने कहा वहाँ जाकर कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, वर्ड यूज़ किया कि वी आर ए मुस्लिम पार्टी, और इसलिए आप हमारा साथ दीजिए, हमारा वो हमारे को वोट दीजिए। जो व्यक्ति कहे कि हम मुस्लिम पार्टी हैं और जिनका DNA इस प्रकार का, और जब वह कहें कि भगवा आतंकवाद की बात करे, वो सेफ्रन टेरर की बात करें, उनकी पार्टी सनातन एड्स है, सनातन HIV है, इस प्रकार की बात करें, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? वह तो यही कहेंगे कि हिंदू हिंसक है। माफी मंगवाएंगे आप लोग? माफी मांगने की जो बात है, जो माफी मांगने को लेके हमने देखा हंगामा हुआ सदन में, क्या माफी मांगने की मांग बरकरार रहेगी? क्योंकि आज मुलाकात हुई अमित शाह के स्पीकर के साथ। बिल्कुल होगी, पूरा देश माफी मंगवाएगा इनसे। ये सिर्फ बीजेपी का इशू नहीं है, देश के अंदर जो रहने वाला है वह सब माफी मंगवाएंगे। जो मैं बात कह रहा था, ये अमेरिकी दूतावास में जो अमेरिका के एम्बेसडर से मिले थे, और उनको कहा था कि यहाँ पर लश्करे तो वैसे खतरा नहीं है, यहाँ पर हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये इनके शब्द, किसी और के शब्द नहीं है। तो क्या कि निरंतर हिंदू आस्था पर कुठाराघात करना, ठीक है? आपके पास वापस आओ, इसी तरह करते हैं हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी का। राजूदास जी, पहली बार ऐसा नहीं कि जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बयान दिया हो, उसके पहले भी वो कई बयान दे चुके हैं, लेकिन आज उनके भाषण में अयोध्या का जिक्र भी रहा, और उनकी ओर से जो बयान दिए गए वो सुना होगा आपने, किस तरीके से हिंदुओं को हिंसक कहा गया, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान दे रहे, ऐसा लगता है कि जैसे सीटें क्या कुछ जीत गए, मिजाज बदल गए? नहीं देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सिर्फ ये मोदी तो बहाना थे, बीजेपी तो बहाना है, शुद्ध रूप से हिंदुओं को अपमान करने का काम किया।